अधिकारी ये गाड़ी में घूमते हैं। सर मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक ई व्हीकल एसयूवी लॉन्च की, कंपनी का नाम नहीं लेता नहीं तो उनका एडवर्टाइजमेंट होगी। अब वो गाड़ी मैंने खरीदी की, मुझे पसंद आई। अब मैं नागपुर लेके गया तो वो गाड़ी में अपने घर में रात को पार्किंग एरिया में चार्ज होती है, 250 किलोमीटर चलती है। तो फिर मेरे लड़के ने देखा तो हमारे यहाँ, उसने देखा कि हमारे काफ़ी पेट्रोल पर गाड़ियाँ टैक्सी यूज़ कर रहे थे, तो उसने लीजिंग से 10 गाड़ियाँ खरीद की और उसने मुझे कहा कि ये आपने अच्छा किया, मेरा 30,000 रुपये पर गाड़ी, ऐसा 3 लाख रुपये महीना बचत शुरू हुई। अब मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ये सरकारी अधिकारी वो मारुति की, मैं तो सरकारी गाड़ी में बैठता ही नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तब से नहीं बैठता। अभी मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मेरे पीछे घूमती है। मैंने नागपुर में इलेक्ट्रिक कार में बैठना शुरू कर दिया, इसका आपका गो इलेक्ट्रिक का कैंपेन करने के लिए, तो मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी वो। अब ये दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां है, अगर ये सब लोग अधिकारी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमेंगे तो इनको भी कंफर्ट मिलेंगे, पर वही बोलना नहीं चाहिए, पर वो टिनपार गाड़ी में सब लोग घूमते, बड़े से बड़े एयरफोर्स का प्रमुख हो चाहे कोई गाड़ी हो, ये बंधन नहीं लिखा हुआ। अच्छा होगा एम्बेसडर बदल के, लिख के रखा था कि वो एम्बेसडर ही आपको यूज़ करना है। तो मैंने एक बार एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठ कर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बजता है और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज़ नहीं करते तो हमें क्यों ये जबरदस्ती होती है। तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वही सफ़ेद रंग की खरीदी करेंगे, अब वो बदल गया। तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया इसलिए आया, पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इतने बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा, बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए, इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में, तो कम से कम ये इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं। तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, और किसान के नाते मेरी प्रार्थना इतनी है कि इसमें परली से बायो सीएनजी जो होता है, जो ट्रैक्टर चल सकती बस चल सकती, थोड़ा हमें 65% पॉपुलेशन का भी सोचना होगा, और इलेक्ट्रिक इतनी उसकी फ्यूल कॉस्ट सस्ती नहीं है, पर जैसे इंपोर्ट के बजाय वो ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों को साथ लेकर आगे जाना होगा ताकि हमारे देश के गांव गरीब मजदूर किसान का भी कल्याण हो, उनकी भी इकोनॉमी बसे, उनको भी रोजगार निर्माण हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और मैं मानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में तय हुआ है कि 2030 में 30% प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल 70%, बसेस 40% और टू व्हीलर 80%। सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ है, मैं उसका मंत्री हूँ, और उसमें से अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी हमारी आई है, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील, इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं और एमएसएमई में उसके क्लस्टर तैयार कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ विद इन 5 ईयर्स ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होगी, जो 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और आने वाले समय में देश की ग्रोथ बढ़ाने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और आपको बताता हूँ कि ई व्हीकल में आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और इलेक्ट्रिक का भी, और अब वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी हमको एल्यूमिनियम, ऑयल, लिथियम भी निकल रहा है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि NDFE मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक कार में लगता है, वो व्हीकल स्क्रैपिंग से अर्थ मेटल्स जो मिलती है उसमें नियोडिनियम, ये जो है ये भी मैग्नेट में यूज़ होती है, वो भी उससे मिलती है, और कंप्यूटर हार्डवेयर से भी अब लिथियम निकालने की बात हो रही है। और वैसे भी 81% बैटरी इंडिया में बन रही है, मुझे नहीं लगता कि लिथियम की कोई कमी है। ये बहुत बात होती है कि इन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कब्जा किया, लिथियम इज़ अवेलेबल है, 5-7 साल वही करेंगे, और तब तक एल्यूमिनियम, झिंक, आयरन, बाकी सब बातों पर भी ट्राई करेंगे, अल्टरनेटिव मिल गया तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे।
तो यही हमारी लाइन है और निश्चित रूप से आपने आज गो इलेक्ट्रिक का जो कैंपेन किया है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और आपने आज मुझे नई बात आपके कारण मुझे समझने के मिली, वो कुकिंग की। तो वो कुकिंग में भी अगर हम लोग ये जो जितने मॉडर्न किचन में जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक बेस को अगर आप, जैसे हम गैस को 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो उसमें से 10% भी आपने ये जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए अगर दी तो गरीब लोग वही यूज़ करेंगे। अब मैं जब फॉरेन में जाता था, वेजिटेरियन हूँ, तो वो कुकर लेके गया था चावल बनाने के लिए, तो वहाँ बाहर का नहीं चलता था, तो आपके इलेक्ट्रिक पे उस पर बनाया हुआ चावल मैं खाता था। तो मुझे आज क्लिक हो गया कि ये सबसे पॉपुलर होगा गरीब आदमी के लिए, जो गैस से भी सस्ता फ्यूल है। तो ये भी आप जरूर उसको बढ़ाइए। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छा देता हूँ और इस कैंपेन को पूरा सपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री और हम सब करेंगे, यही विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।